तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव माय बरेली, इसे प्लीज क्लीन रखो। और तो आप उनसे निवेदन कीजिए कि अगर मेरे घर वाले सही हैं तो वो लोग क्यों नहीं सामने आके बैठ के बात करते, वो लोग क्यों नहीं वीडियो बनाते, क्योंकि उनको क्या लगा दिए, तड़ा पहने तुम्हें पहनना है क्या? तार काटना, परेशान करना मंजूर है, इनके साथ जोर जबरदस्ती करना उन्हें मंजूर है, बदतमीजी करना उन्हें मंजूर है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है मेरे दादू, ठीक है ना, गौरी शंकर बाबा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल कराए गाइस, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये हैं उनके बड़े बेटे। नहीं बोली तो कोई भी नहीं भूला होगा आपको, आई एम श्योर। आप तो भाई वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में एक भैया का गाना सुना हुआ, जिनकी आवाज की बहुत तारीफ की थी आपने, तो आज हम लोग आ गए हैं उनके घर पर फिर से उनका गाना सुनने और आप लोगों को सुनाने। आज भैया माइक पे गा के सुनाएंगे। माइक पे गा के सुनाएंगे, तो आइए इंजॉय करते हैं भैया का गाना। हेलो जय जय। और हमारे बीच आ चुके हैं अलीतेज भाई और साक्षी जी, वेरी गुड जी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और वही जो कल जो हमने सॉन्ग सुनाया था, आज वही दीदी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और हमारे भैया भाई थे अंदर गंदा भाई, और उनका ही बहुत स्वागत है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी। दीदी, हमारी बरेली की जनता के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि बरेली मेरा होम टाउन है, तो मुझे कुछ भी बरेली में नया होता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव माय बरेली, इसे प्लीज क्लीन रखो। और प्लीज अगर हो सके तो अपने आसपास के जानवरों को खाना जरूर खिलाया करो बस। और हमसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा यार, मैं तो शौक में रहेगी कि यार आप मिलने आए हैं। मिलने के लिए बहुत लोग, जब मैं नहीं भूली तो कोई भी नहीं भूला होगा आपको, आई एम श्योर। आप तो भाई तो कोई नहीं बोल सकता। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी अच्छा लो, अच्छा स्पेल ओ ये तो बनेगा भाई, ये हां वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ओके, और कुछ वो सामने जो जाती है, अच्छा वो सामने वाली में बस क्या है ये बताओ तो। मूठी है यार, इसका कलर कौन सा है? वो शायद पहचान नहीं पाया, वो पहचान नहीं पाए बस। आपको ये सब, सॉरी, किसने दिया आपको ये सब? किसने दिया? डैडी को दोगे ये? डैडी नहीं है, डैडी नहीं है, घर पे है। घर पे है डैडी? हाँ। लेके क्यों नहीं आए? डैडी घर पे है माँ। तो हाँ, उसकी नजर है इधर और क्या है? आप किधर नजर है? आप अंदर ही जाके देख लो, जाओ। अरे नहीं नहीं अनुष्का शर्मा, ये मेरे बाबा पीछे से कह रहे हैं, देखे यहाँ पे था एक रामायण थी ना, रामायण का प्रोग्राम था और मंदिर में प्रोग्राम था, मतलब मेरी दादी के, ये दादी बैठी है, मतलब मेरी दादी की छोटी बहन है तो भाई मेरी भी दादी है। तो यहाँ से थी दावत क्या बोलते हैं उसे, मतलब हमें भंडारे में आना था, लेकिन भंडारे में आ नहीं पाए, तो भाई भंडारे का प्रसाद पैक करवा दिया चाचा ने और दादी ने, तो हम प्रसाद खाएंगे घर पे जाके। मतलब जिद कर रहे हैं चाचा की, यहीं खा लो, लेकिन ये है कि हम लोग काफी लेट हो गए, देखो आप 10:15 हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है मेरे दादू, ठीक है ना, गौरी शंकर बाबा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल कराए गाइस, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये हैं उनके बड़े बेटे, हमारे चाचा, ठीक है ना, सभी लोग हैं, ये उनका बेटा है, ये मेरी दादी है, चाची बैठी है, चाची के फैमिली के लोग भी आए हुए हैं, ये विशाल है पीछे भाई,
बहुत मेहनत करता है, ये जॉकी में है और ये हमारी चाची है, छोटी चाची, सभी लोग हैं वीडियो में और ये वीवो बिजी है। छोटू चाचा, छोटू चाचा, ये हमारे चाचा हैं। पूरा फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी काम हो, किसी को कोई भी काम हो, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा चाचा का, बरेली में वाजिफ और कम से कम दाम में आपको फर्नीचर से रिलेटेड सारे काम करने वाने को मिल जाएंगे। और अगर आप बरेली से बाहर भी कोई काम करवाना चाहते हो, प्लीज चाचा से एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। क्या लगा दिए? कड़ा पहने, तुम्हें पहनना है क्या? कड़ा पहने, पहनना है कड़ा। वीवो के हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहे थे वहाँ सब लोग। वीवो आपके हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहे थे वो लोग। हाँ वीवो, कौन? तो गाइस, हम मैंने अपने इन लॉस की कंप्लेंट कर दी। मैं एसएसपी सर के ऑफिस गई थी आज, उनके सामने पेश हुई थी कंप्लेंट। तो क्या, हमने रजिस्ट्री पोस्ट कर दी थी पहले ही 19 तारीख को, लेकिन एसएसपी सर 19 तारीख को मौजूद नहीं थे, तो हमने रजिस्ट्री पोस्ट के थ्रू उनको एप्लीकेशन भिजवा दी थी, आईजी सर को, डीएम सर को, एसएसपी सर को, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी। 18 तारीख को एक हरकत हुई थी, वो ये कि जब हमारे सुरक्षाकर्मी खाना खाने के लिए गए थे बाहर, तो अजितेश के जो बड़े भाई हैं और अजितेश के जो चाचा हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, अजितेश के जो फादर हैं, तो वो उनका रूम है अजितेश के बड़े भाई का ऊपर, जैसा कि आप लोग को सबको पता है। हमने दिवाली के टाइम पर उनको नहीं आने दिया था, वो उस टाइम मैटर हुआ था, लेकिन अजितेश की जो बुआ की बेटी है वो ऊपर आई थी और उसने ये बोला था कि वो भाभी, भैया भाभी जा रहे हैं दिल्ली, तो उनको कंबल निकालना है उनके बेड से। तो मैंने गेट खोल दिया, पीछे वाला जो मैंने आप लोग को गेट दिखाया है ब्लॉग में, जिसने होम टूर वाला ब्लॉग देखा होगा उन्होंने देख रखा होगा, तो मैंने गेट खोल दिया और मुझे नहीं पता था कि वो लोग खड़े हुए हैं। मैंने जब गेट खोला, फिर मैं किचन में आ गई, विमान अंदर था, अजितेश घर पर मौजूद नहीं थे, अजितेश अपने फ्रेंड के घर पर गए हुए थे उस समय, और मैंने गेट खोला तो मैं किचन में चली गई और उसके बाद पीछे से वो तीनों लोग आए, अजितेश के फादर, अजितेश के भाई और अजितेश के चाचा, और मुझे धमकी देने लगे जान से मारने की कि तू वीडियो में हमारी बातें बता रही है और तू किस बात की बिजली लेगी यहाँ से, अपने घर से तू क्या लेकर आई है। और मैं शांत रही, मुझे पता था वो लोग कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे, या क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास अंदर रूम में फ़ोन था और वो लोग तीन लोग थे, तो मैं उस चीज़ पर रिस्क भी नहीं ले सकती थी कि भाई, मैं बिल्कुल शांत रही। वो लोग बकते रहे कि क्या कहते, हमारा लड़का तूने कब्जे में कर रखा है, हम तुझे जान से मार देंगे, हमारा घर बर्बाद कर दिया, अपने घर से कुछ नहीं ला पाई, और जान से मारने की धमकी देते रहे। मैंने कहा इन खोखली धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस समय मैंने सोच लिया था कि हमने साक्षी ने क्या घर बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन रीज़न है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, घर तैयार हो गया है रुद्रपुर में, वहाँ जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं और ये घर को सेल आउट करना चाहते हैं, और हम लोग रहेंगे तो सेल आउट होगा नहीं ऐसे किसी भी तरीके से, कुछ भी करके परेशान करके वो लोग यहाँ से हमें से खाली करवाना चाहते हैं, दखल कर रहे हैं। और आप लोग को कब से हम लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें सही नहीं है, बेदखल करना भी सही नहीं है, और जो भी आपकी कंडीशन है या जो भी बात है बैठ के बात कर सकते हैं, वो सब मंजूर नहीं है। तार काटना, परेशान करना मंजूर है, इनके साथ जोर जबरदस्ती करना उन्हें मंजूर है, बदतमीजी करना उन्हें मंजूर है, लेकिन समस्या समाधान करना मंजूर नहीं है। फिलहाल जो 18 तारीख को हरकत हुई और उसके तो बाद हरकत नहीं था, वरना करने के बाद तुरंत इनके बड़े भैया तुरंत दिल्ली भाग गए। उनको लगा कि मैंने बोला था कि मैं शिकायत तो करूंगी, तो उन्हें पता था कि मैं अब तो शिकायत करूंगी, क्योंकि वो लोग हमेशा से हम लोग को ये सोचकर हम लोगों ने थाने पुलिस चौकी नहीं किया, क्योंकि धीरे धीरे सटक लेंगे ये लोग। हाँ धीरे धीरे अब ये लोग निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये लोग पहले भी ये चीज कर चुके हैं। तो मतलब उनका मानना ये है कि भाई मतलब हम घर से निकलें और जाएं, इस तरह वो लोग हमें धमका रहे हैं, और बस हाथ पैर ही नहीं चला पाए वो लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा बात का, लेकिन फुल धमकी देते रहते हैं कि अपने घर से कुछ नहीं ला पाई, विधायक की लड़की थी, तो जैसे और केसेस में होती हैं लड़कियां घर से ले आती हैं पैसा वैसा सोना जेवर, भाई मैं कुछ नहीं लेके आई अपने घर से, खुश रहे, शांति बनी रहे, लेकिन हमारे साथ ऐसा केस नहीं है ना कि भाई हमारे माँ बाप दे हमें और शांति, और मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे लालचियों के लिए, मैं अपने घर से कुछ नहीं मंगाऊंगी। अगर इन फ्यूचर चीजें भी सही हो गई मेरी मेरे मायके की तरफ से, तो मैं क्यों ऐसे लालचू लोगों को कुछ मंगा के दूं। बाकी अजितेश देखो मेरे साथ है, और देखो मुझे प्रशासन ने मतलब एसएसपी सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी,
और जेन्युइन कार्रवाई होगी। बाकी हमारा हमें उम्मीद है प्रशासन से कि वो एक जेन्युइन कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे तो बयान कभी होने ही नहीं देते हैं ये हमारे मकान मालिक। मतलब जो भी गाइस दो बार जैसे छोटी शिकायत करी विवाद के होने पे करी, अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में करी थी, तो पुलिस भाई हमारे बारे में पूछ रही थी घर आके बयान लेने थे, लेकिन हमसे मिलने नहीं दिया गया। कह दिया उनसे नीचे के नीचे की नहीं है, ऊपर नहीं है। हाँ, तो वो लोग आ ही नहीं पाए हम लोगों से। खैर जो भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है हमारे साथ। देखिए जिनकी नजरों में हम गलत है वो तो यही कहेंगे कि सही हो रहा है, लोगों के साथ सही हो रहा है। लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जगाओ और सही क्या है गलत क्या है उस चीज का फैसला करो। वो देखो, ये मत सोचो कि साक्षी ने क्या किया था क्या किया था, वो सब पुरानी बातें। फिलहाल हम मियां बीवी हैं, ठीक है, और हमारा एक बच्चा है। सिर्फ इस चीज को देखो और हम लोग के साथ क्या हो रहा है उस चीज को देखो। और जो लोग सही हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो मेरे पिताजी सही हैं या मेरे घर वाले सही हैं, तो आप उनसे निवेदन कीजिए कि अगर मेरे घर वाले सही हैं तो वो लोग क्यों नहीं सामने आके बैठ के बात करते, वो लोग क्यों नहीं वीडियो बनाते। क्योंकि उनको जिसको बैठना होता है वो अब तक बैठ चुके होते हैं, वो इसीलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि उन्हें घर खाली करवाना है। उन्हें पता है बैठेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी। जब दो पक्ष बैठते हैं तो चीजें निकलती है, समाधान निकलता है चीजों का। वो इसीलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि वो समाधान नहीं चाहते हैं, वो हमें घर से निकालना चाहते हैं। चलिए ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम दोनों को ऐसी सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रहिए, ठीक है ना। जो भी परिस्थितियां हैं हम लोग ऐसी लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी, गलत के खिलाफ भी और समाज में भी, या लोगों के साथ गलत होगा उनके खिलाफ भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अब पूरा फोर्स लगा देंगे इनके फादर कि उन पर FIR ना हो। और नहीं, ऐसा है कि भाई सोर्स लगाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस आएगी, जांच होगी, जांच में हम लोग अपने एविडेंस रखेंगे उन लोग के सामने, फिर वही निष्पक्ष न्याय होगा। तुम्हारे साथ चिंता मत करो, जो भी है फिलहाल। खैर थैंक यू।